महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, सभापति रेड क्रॉस सोसाइटी से शिवेंद्र विक्रम सिंह जी, सचिव अजय प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे प्रसन्नता है स्वास्थ्य क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन हुए हैं उसको और अच्छा करने के लिए ढेर सारी संभावनाएं हैं और उसमें सबसे सरल और सशक्त माध्यम हो सकता है टेक्नोलॉजी का। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैठ करके या गोरखपुर में बैठ करके अगर हमने सही उसका लाभ लिया तो देश और दुनिया के किसी भी बड़े प्रख्यात चिकित्सक से या हॉस्पिटल के साथ जोड़ करके हम लोग अपने मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दे सकते हैं। और इस क्रम में आज यहां पर 19 हेल्थ एटीएम मशीन जो विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित होकर के 62 प्रकार की जांचों की सुविधा गोरखपुर वासियों को प्रदान करेंगी, ये सीएसआर से यहां पर पेप्सिको कंपनी के माध्यम से, उनके साथ सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से गोरखपुर के सांसद ने गोरखपुर जनपद वासियों को उपलब्ध करवाया है। मैं इसके लिए कंपनी को भी और सांसद जी को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए गोरखपुर वासियों को इसके लिए बधाई देता हूं। टेक्नोलॉजी हमारे काम को आसान कर सकती है और कैसे कर सकती है ये मैंने पहले भी आपको बताया। कोरोना के समय उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 36 जनपद ऐसे थे जहां एक भी आईसीयू के बेड्स नहीं थे। आईसीयू संचालित करने के लिए जो आवश्यक मैन पावर चाहिए था वह भी हमारे पास नहीं था। अब अचानक कोरोना आ गया, इतने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देना, इतना मैन पावर लाना एक कठिन कार्य था, कैसे होगा। इस कार्य को करने के लिए हम लोगों ने उस समय तकनीक का सहारा लिया। पहले चरण में हम लोगों ने वेंटिलेटर्स लगाए, भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए बड़ा सहयोग किया और फिर इन कार्यक्रमों को जोड़ करके हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाए, परिणाम क्या रहा, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। टेली कंसल्टेशन और वर्चुअल आईसीयू लखनऊ में SGPGI, KGMU, RML और अन्य संस्थानों से कहा गया कि सभी मेडिकल कॉलेजेस को आप अपने साथ जोड़िए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहां पे आईसीयू है उसको अपने साथ जोड़िए, उनके एक डॉक्टर को, एक टेक्नीशियन को पहले लखनऊ में भी ट्रेनिंग कराई गई। हर दिन वे अपना कार्यक्रम चलाते थे और लखनऊ के विशेषज्ञ उनको हर एक एक घंटे के लिए समय देते थे, शाम के समय अगर किसी को कोई परेशानी हो बताएं, अगर कोई समस्या ऐसी थी कि जो वर्चुअल जिसका समाधान नहीं हो सकता है तो वहां पे लखनऊ से विशेषज्ञ आकर के फिर उनको बताते थे। और परिणाम था सही 75 जनपदों में हमने आईसीयू को कोरोना कालखंड में सफलतापूर्वक चलाया था। आज सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति गोरखपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में या मुंबई में बैठे हुए चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य के परीक्षण की रिपोर्ट दिखा करके आवश्यक दिशा निर्देश ले सकता है और घर में बैठे बैठे
स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस देश से हेल्थ एटीएम की बड़ी उपयोगिता है। मैंने 2022 में गोरखपुर में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए और प्रदेश भर में भी हम लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लिए हेल्थ एटीएम उपलब्ध करवाए थे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसी क्रम में ये 19 एटीएम, हेल्थ एटीएम आज इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लग रहे हैं। गोरखपुर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी संबंधित जो भी पैरामेडिक्स होंगे, टेक्नीशियन होंगे, उनको उचित समय से प्रशिक्षण देकर के, कंपनी का सहयोग लेकर के इन हेल्थ एटीएम का बेहतर उपयोग करेंगे। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज यहां पर एक दूसरा वाला कार्य हो रहा है, वह है ट्यूबरक्लोसिस, यानी क्षय रोग, जो टीबी जिसको कहते हैं। इसका उपचार संभव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके लिए एक सीमा तय की है और वह तय की है कि 2030 तक दुनिया से ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से मुक्ति देश के अंदर से, और देश के इस लक्ष्य को प्राप्त कराने में सबसे बड़ी भूमिका होगी उत्तर प्रदेश, देश की सबसे बड़ी सबसे बड़ा आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश की। यह एक विभाग का कार्य नहीं है। जिस परिवार में कोई व्यक्ति संक्रमित है उसका कार्य नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। पूरा समाज जब इसके साथ जुड़ेगा, और इसके लिए सरकार सहयोग भी करे, डॉट्स योजना के अंतर्गत ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को चिन्हित करना, समय पे पोषण किट उपलब्ध कराना, 500 रुपए महीने की व्यवस्था उसके लिए, जब तक उपचार चलता तब तक उसको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था के साथ जोड़ना। अगर समाज स्वस्थ होगा तो समाज सशक्त भी होगा। समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र समर्थ होगा, और राष्ट्र समर्थ होगा तो खुशहाली होगी, और 2047 में भारत एक विकसित देश के रूप में स्थापित होगा। इसलिए सामाजिक कार्य के लिए सामुदायिक जिम्मेदारी भी आवश्यक है। हम सब इस बात को देखें, कोई हमारे अगल बगल कहीं भी कोई ट्यूबरक्लोसिस के का शिकार है, हम उसकी जांच कराएं, डॉक्टर तक लेके जाएं, उन्हें उपचार की व्यवस्था कराएं, नियमित तो दवा खाएं, इसके लिए हालचाल लें, पोषण की उपलब्ध करवाएं। और अगर हम करते हैं तो यह कार्य नर सेवा ही नारायण सेवा है, यही भगवान की सेवा है। उस व्यक्ति को इस बीमारी से उभारने में आप मदद करेंगे तो आप ईश्वरीय कार्य के साथ सहभागी बन रहे हैं, और नर सेवा नारायण सेवा के साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम के साथ आपको जुड़ना है। 500 ऐसे रोगियों को आज पोषण किट यहां भी उपलब्ध कराया जा रहा है, और मैं उन सबसे भी अपील करूंगा वे नियमित दवा लें। पोषण का पैसा और पोषण किट उन्हें नियमित प्राप्त हो, यह स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। और जो इस संबंध में जिन जो सहायक बने हैं, मित्र बने हैं, उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है, समाज के प्रत्येक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन लोगों को राहत देने में अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, आज हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है, स्वास्थ्य क्षेत्र ने भी काफी प्रगति की है। आप देखिए, आज से 6 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले क्या स्थिति थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था, आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य भी, यानी जो पहले था उसका स्वास्थ्य ही खराब था। मेडिकल कॉलेज जब स्वयं ही बीमार है तो दूसरों का उपचार क्या कराएगा। आज मेडिकल कॉलेज भी अच्छा हुआ है और गोरखपुर में एम्स भी खुल गया है। अब गोरखपुर के साथ साथ देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, बस्ती में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, बहराइच में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन रहा है,
बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यानी इतने मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना करके लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, इस लक्ष्य के साथ आज डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, जिससे लोगों को उनके घर में बैठ करके बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। अच्छी सड़कें चलने के लिए अच्छी व्यवस्था, अच्छी ट्रेन दी जा रही है, वायु सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। और इस कार्यक्रम के साथ अगर हम सब जुड़ जाते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता सबसे पहली बात, हमने इस बात को माना है जागरूकता का अभाव भी बीमारी का कारण है, इंसेफ्लाइटिस उसका उदाहरण है। आपने देखा होगा इंसेफ्लाइटिस से सैकड़ों मौतें होती थी, यहां गोरखपुर में, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सब जगह मौतें होती थी, लोग जागरूक नहीं थे। सरकार ने पहल की, समाज आगे आया, परिणाम हमारे सामने आया। 1977-78 से लेकर के 2016-17 तक इन 40 वर्षों में लगभग 50,000 बच्चे इस बीमारी से संक्रमित हुए, ज्यादातर बच्चों की मौतें हुई। और आज 2017-18 से हमने इस पर नियंत्रण करना प्रारंभ किया, एक साथ सभी विभाग मिलकर के कार्य किए, जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए, स्वच्छता के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए, छिड़काव के लिए, दवा के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए। परिणाम क्या है, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रित हो गया है, बच्चों की मौत को कंट्रोल कर दिया गया है। भाइयों बहनों, ये है सही उपकार। ये जाति के नाम पर बांटे वाले लोग तब क्या कर रहे थे, जब एक गरीब का, एक दलित का, एक अल्पसंख्यक के परिवार का कोई बच्चा असमय कालकल्पित हो रहा था, बीमारी की भेंट चढ़ रहा था, तब इनको जाति, मत और मजहब याद नहीं आ रहा था। तब ये लोग चैन की बंसी बजा करके ऐसो आराम की जिंदगी जीते थे। लेकिन जब चुनाव आते हैं, सबको जाति जाति नजर आने लगती है। इसलिए भाइयों बहनों, विकास के प्रति, शासन की योजनाओं के प्रति और समाज को जागरूक करके विकास को प्रभावी और ईमानदारी पूर्वक समाज अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। और रेड क्रॉस सोसाइटी इस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास कर रही है। अभी मैंने उनके कार्यक्रमों को बाहर देखा है, यहां पे गोरखपुर में भी संचालित उनके कार्यक्रम है। श्री शिवेंद्र विक्रम सिंह और उनकी जो पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है, ये टीम इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रही है। आज रवि किशन ने यहाँ पे रात्रि में एक अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा है और लगभग 10,000 लोगों को भोजन की व्यवस्था भी उन्होंने की है। तो सभी हमारे विधायक गण भी जाएंगे, 1,000 लोगों को लेकर के जाए वहां भोजन की व्यवस्था ही पर है? भोजन नहीं क्या? यानी वे भजन सुनाएंगे, भोजन नहीं कराएंगे। अच्छा, मैं सोच रहा था कि 10,000 लोगों के लिए भोजन की है, भजन की है। भजन, भजन तो सुनने के लिए आप जाइएगा जरूर, अच्छा रहेगा, लेकिन देर तक नहीं। बहुत आप सबको कल से वर्ष 2024 की पहली तिथि प्रारंभ हो रही है और हम संकल्प लें स्वच्छता का, सुरक्षा का और विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ हम सब भी जुड़ेंगे, अपने देश को समृद्ध बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे। 2024 का हमारा ये संकल्प होना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।